चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ये न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो उसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस जो है ये अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं। आयनाइजेशन नदी क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल होता है हम उसको वैलेंस शेल बोलते हैं, किसी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में से ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगाना पड़ती है, सर्व करना पड़ती है, एक्सपेंड करना पड़ती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी जो है वो खर्च करना पड़ती है। तो हम बोलते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ये किस भी एटम का आउटर मोस्ट शेल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड और ग्रुप, इन पीरियडिक टेबल में दो चीजें होती हैं पीरियड और ग्रुप, उनमें डिफरेंट जो उसके इफेक्ट्स हैं वो होते हैं वो हम वन बाई वन देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पीरियड, पीरियड जो है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है एटम का जो साइज है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में छोटा होता जाता है। अब एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल है इलेक्ट्रॉन का उसके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होता जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि वहाँ से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो एक्सपेंड करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं एटम का साइज छोटा होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, एटम का साइज छोटा होने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इन पीरियड हम जनरली ये बोलते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट हमारा है इन ग्रुप जो होते हैं पीरियडिक टेबल में डाउनवर्ड होते हैं ग्रुप्स में, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं एटम का साइज जो है वो बड़ा होता जाता है, एटम का साइज जो है उसके बड़ा होने से क्या होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल जो है उसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है, जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खारिज करना निकालना इजी हो जाता है, तो थोड़ी सी एनर्जी लगाना पड़ती है और इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप एटम के साइज इंक्रीज होने के साथ साथ हम इजीली उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। हम लोग जो इसका होमवर्क दे सकते हैं बच्चों को इस तरह दे सकते हैं कि कल जो है बच्चे वो कम से कम 10 जो है वो एलिमेंट्स लेंगे और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेके लाएंगे